प्रेसिडेंट भी एक महिला है, मजबूर हो गई, ये आदत बन गई। हालांकि कहते हैं कि सरकार महिलाओं का बलहित में है, मजबूर करती है, प्रेसिडेंट क्या करेगी, वो जो लिख के दिया वही पड़ेगी। प्रेसिडेंट ने कंप्लीट की सरकार बताई, स्टेबल सरकार बताई। हम सब उंगलियों पे गिनती कर रहे थे कि कैसे आ गई, क्या हमने कुछ गलत सुना देखा, क्या आम जनता ने कुछ गलत कहा, मगर ये जादूगरी जो हम देख रहे हैं भाई, ये जादूगरी देख रहे हैं, अभी देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं, ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। एक थकी हुई, हारी हुई, लूली लंगड़ी सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव देख रहा हूँ इसमें। इसमें देश की बात, देश हित की बात तो है नहीं, इसमें स्वहित कैसे ये सरकार चले, कोई नई चीज नहीं, नीट का जिक्र नहीं, जिस तरीके से चुनाव में हुआ है उसका कोई जिक्र नहीं। प्रधानमंत्री जी को कहीं से कोई अफसोस नहीं है, इन्होंने तो एक रूटीन का अभिभाषण है। सवाल ये है कि आज जो इमरजेंसी लागू है इसका क्या होगा, वो तो संविधान के अंतर्गत थी, उस पर तो खेत बेत कर दिया गया, बात खत्म हो गई, 49 साल पहले हुआ था। आज जो अघोषित इमरजेंसी, मोदी जी इस पर तो कुछ बोलो। ये प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा, जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। ये कोई मेजोरिटी नहीं है, ये बैसाखी पे चल रही सरकार है, जितने दिन चलती है चलने देंगे। 50 साल के बाद भी ये इमरजेंसी की बात करते हो, कोई मुद्दा नहीं है। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी भूल रही है कि जब इमरजेंसी लागू थी तो कई राष्ट्रपति जी ने स्वाक्षर की थी, तो अपने भी कार्यालय पे वो आलोचना कर रही थी कि भाई ऐसे तो नहीं होता ना, कि अगर प्रधानमंत्री चाहे भी तो राष्ट्रपति की स्वाक्षरी के बिना तो नहीं लगा सकते, तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था ना, तो उस वक्त की महामहिम राष्ट्रपति भी उसके लिए जिम्मेदार है क्या? लेकिन सवाल ही नहीं था, जब सत्यानाश करके गए हो आप लोग एजुकेशन सिस्टम में और हेल्थ में, आप जाकर देख लीजिएगा किसी प्राइवेट अस्पताल में लोगों को, मरीजों को मुनाफा उसका लाभ हो रहा है कि नहीं वो भी देखो, और एजुकेशन सिस्टम में तो बर्बाद कर दिया तुमने सारा निजीकरण करके।